हवा महल से अगर वो बाहर निकलते, जमीन पर जाते, इन पीड़ित परिवारों से मिलते तो देखते कि रोने वाली वहां पे सिर्फ महिलाएं ही हैं। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने बेटा खोया। तो जिस तरीके से एक के बाद एक जहरीली शराब से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा, और इसको मैं मौत नहीं, इसको मैं हत्या बोलूंगा भाई, जो जानकारी में है आपके, उसके बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो या तो आपके प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है उन लोगों जो जहरीली शराब का निर्माण कर रहे हैं या जो आयात करते हैं इस तरीके की अवैध शराब का, और पुलिस चाह कर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोचते हैं कि भैया बंद कमरे में शपथ दिलवा देंगे तो उससे कानून धरातल पर उतर जाएगा, ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री जी, उसके लिए आपको धरातल पर उतरने की जरूरत है। पर बिहार में आए दिन घटनाएं घट रही है, जहरीली शराब तो एक तरफ, अभी कल हम लोग गए थे भागलपुर जहां पे 15 लोग मर गए एक ब्लास्ट में, पटाखे की फैक्ट्री का अवैध कारोबार रिहायशी इलाके में चल रहा है। बार बार पिछले 20-25 साल से प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद एक ऐसी जगह पर जहां पे 200 मीटर के रेडियस पे डीएसपी का घर है, दो दो थाना लगता है बगल में, उसके बावजूद वहां पे अवैध फैक्ट्री इस तरीके से कार्यरत थी, वहां पे काम चल रहा था, और वहां पे जिस तरीके से घटना घटी, मुख्यमंत्री ने एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार जरूरी नहीं समझा कि वहां जाएं, हत्याएं हो बलात्कार हो, तो सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि भैया बिहार के प्रधान बिहार पे दे ध्यान, ये जरूरी है, बिहार के प्रधान का ही बिहार पे ध्यान नहीं है,